अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल आखिर बना किस तरह है? सबसे पहले जो इसमें बी है वो क्या शो करता है? ब्रैकेट को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है? ब्रैकेट को। ओ मीन्स ऑर्डर, डी मीन्स डिवीज़न, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है ब्रैकेट के बारे में समझेंगे कि आखिर में ब्रैकेट है क्या चीज़। तो ब्रैकेट की तरफ आते हैं कि ब्रैकेट में तीन किस्म के, तीन टाइप्स हैं इसके। पहला टाइप कौन सा है? शॉर्ट ब्रैकेट। कौन सा है? शॉर्ट ब्रैकेट। द साइन ऑफ शॉर्ट ब्रैकेट इज़ ये जो निशान है, ये शॉर्ट ब्रैकेट की अलामत देता है। इन द क्वेश्चन वी सॉल्व द शॉर्ट ब्रैकेट देन वी मूव टू अदर प्रोसीजर। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में शॉर्ट ब्रैकेट आ जाए तो हमें सबसे पहले शॉर्ट ब्रैकेट को हल करना चाहिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए क्वेश्चन में। फिर दूसरा हमारे पास कौन सा है? मिडल ब्रैकेट। कौन सा? मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग? द साइन ऑफ मिडल ब्रैकेट इज़, मिडल ब्रैकेट का साइन ये है। इन द क्वेश्चन आफ्टर शॉर्ट ब्रैकेट वी सॉल्व द मिड ब्रैकेट एंड देन वी मूव टू अदर प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग शॉर्ट ब्रैकेट को हल करते हैं, अगर उसके बाद क्वेश्चन में मिड ब्रैकेट का अलामत मौजूद हो तो फिर हमें मिड ब्रैकेट हल करना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद थर्ड टाइप है लॉन्ग ब्रैकेट। लॉन्ग ब्रैकेट, द साइन ऑफ लॉन्ग ब्रैकेट इज़ ये जो साइन है, ये लॉन्ग ब्रैकेट का साइन है। इन द क्वेश्चन सॉल्व शॉर्ट एंड मिड ब्रैकेट देन वी मूव टू सॉल्व द लॉन्ग ब्रैकेट। मतलब जब हम लोग शॉर्ट ब्रैकेट हल कर लें फिर उसके बाद मिड ब्रैकेट हल कर रहे हैं, तो अगर जब एंड में ये लॉन्ग ब्रैकेट का साइन बचा, या लॉन्ग ब्रैकेट आ जाए, तो हमें द एंड में वही सॉल्व करना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा और आंसर राइट आएगा। इसकी एक मिसाल मैंने दी हुई यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग ब्रैकेट थ्री प्लस मिड ब्रैकेट माइनस फोर प्लस शॉर्ट ब्रैकेट ओपन फाइव प्लस नाइन शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज मिड ब्रैकेट क्लोज लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, देखो आप व्यूअर्स के, लॉन्ग ब्रैकेट थ्री प्लस मिड ब्रैकेट माइनस फोर उसी तरह लिखा हुआ है, उसके बाद फाइव एंड नाइन प्लस करें तो क्या बनता है? फोर्टीन। मतलब हमारा सबसे पहला कौन सा अमल हुआ? शॉर्ट ब्रैकेट का। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा है मिड ब्रैकेट। अभी हम लोगों ने मिड ब्रैकेट कॉल करना है, तो लॉन्ग ब्रैकेट इसी तरह देंगे, थ्री लिखेंगे प्लस लिखेंगे, अब माइनस फोर एंड प्लस फोर्टीन कितना बनता है? टेन। ठीक है, क्योंकि फोर्टीन से फोर माइनस कर लें तो टेन बचता है। तो क्या हुआ हमारे पास? मिड ब्रैकेट भी हल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास? लॉन्ग ब्रैकेट। और लॉन्ग ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं? थ्री और प्लस क्या बच गया? थर्टीन। तो 13 के साथ अभी कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो यही 13 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ब्रैकेट के बारे में। इसी तरह अभी हम आगे बढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में।